हेलो फ्रेंड्स, मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी कि हमें ना ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना आ रहा है, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके लिए हमने आज एक वीडियो बनाई है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो प्लीज़ देखते रहिए। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ऐसी वीडियो और भी आगे आती रहेंगी एस्टेट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या है कि ये estateonline.com ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई ऑनलाइन फॉर एस्टेट दिसंबर 2017। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन, तीन स्टेप हैं इसके। फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन, मेक पेमेंट। और यहाँ पे क्या ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के ये देख भी सकते हैं। तो प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन हम जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले आधार कार्ड नंबर, तो हम यहाँ पे पहले आधार कार्ड अपना नंबर फिल कर देंगे, उसके बाद हम नेम वगैरह और सब चीज़ें फिल करेंगे। तो देखिए मैं अपना फिल कर रहा हूँ। तो देखिए अपना नेम, नेम ऑफ एप्लीकेंट, मिडल नेम, लास्ट नेम, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको, फादर नेम, मदर नेम, यहां पे डेट ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है, जेंडर, होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। कैटेगरी, कैटेगरी जनरल, बीसी, एससी, जो भी आपकी है वो, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस भी है और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस भी है, तो जनरल कर दी। यहाँ पे अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसमें यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। एरिया, एरिया में अगर आप गाँव से हैं तो रूरल, अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो अर्बन आएगा। तो यहाँ पे आएगा जो 10th की आपकी DMC है उसका रोल नंबर यहाँ पे फिल किया जाएगा, 96600, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, जब आपने 10वीं कब पास की थी तब का यहाँ पे ईयर डाला जाएगा। नेम ऑफ बोर्ड, बोर्ड कौन सा आपका, हरियाणा बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, HP बोर्ड है, जम्मू कश्मीर बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपका। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। एड्रेस, यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है, और यहाँ पे सिटी, सिटी या विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका वो डालना आपने यहाँ पे। स्टेट है, अगर आपका हरियाणा है तो ठीक है, अदरवाइज और कोई हो तो वहाँ से सिलेक्ट करके डालते हैं। यहाँ पे आपका पिन कोड आएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर भरना है तो भर सकते हैं, अगर आपके STD कोड विद टेलीफोन नंबर अगर आपका है तो ठीक है, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी, तो यहाँ पे क्या है कि अप्लाई फॉर लेवल 1 टीचर फॉर क्लास 1 से 5, अगर किसी ने JPT की हुई या PRT की हुई है तो उसके लिए प्राइमरी टीचर का रहता है, और सेकंड जो लेवल रहता है वो टीचर के लिए था, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए उसका रहता है TGT, ये 6 से 8 होता है, और इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स का है, म्यूजिक का है, साइंस का है, मैथ का, जो भी है, ये मैथ का फिल कर रहा हूँ। और लेवल 3 में क्या रहता है कि PGT में भी कौन सा आपका है, मैथमेटिक्स है या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से देख के भर सकते हैं। तो अगर आपने एक लेवल भरना है तो दोनों छोड़ दीजिए, अगर तीनों भरने हैं तीनों, अगर कोई भी दो भरने हैं दो भर सकते हो। तो हमने फीस की पहले वीडियो एक बनाई थी, उसमें था कि एक के लिए 1000 है जनरल की, और अगर दो, कोई भी दो भरते हैं तो उसके लिए 1800 है, और अगर तीनों भरते हैं तो उसके लिए 2400 है। तो हमने तीनों ही फिल करके दिखा रहे हैं, तो तीनों ही फिल करने हैं। तो यहाँ पे साइन है, क्लिक कर देना है। अगर आपने चेक करना है तो अभी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट चलेगी तो चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इसका ये प्रिव्यू नहीं दिखाता, डायरेक्ट सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पे जाता है, सेकंड स्टेप पे, जहाँ पे सिग्नेचर, थंब और आपके साइन है बड़े,
अगर आपने करेक्शन करनी है बाद में कभी, तो 11 को करेक्शन इसकी आएगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। इसीलिए दोबारा यहीं पे चेक करना बेटर रहेगा आपके लिए। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ सही है, रोल नंबर सब चीजें सही हैं, तो हम भर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट कर दिया। देखिए तो यहाँ पे अब सेकंड पार्ट आ गया है, कौन सा, फोटो साइन एंड थम। तो हम यहाँ से फोटो उठा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा ये फोटो है जो ना, फोटो जो कौन सी इसमें लगेगी, ये फोटो, फोटो में क्या होगा आपका फोटो, साथ में क्या होगा आपका डेट, जिस डेट को आपने फोटो करवाई, और स्लेट के साथ ये फोटो लेनी है, अदरवाइज ये यहाँ पे आपकी फोटो जो अपलोड नहीं होगी और फॉर्म आपका फिल नहीं होगा या अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपके फोटो के साथ आपके जो फोटो के साथ आपके स्लेट पे नाम और जिस डेट को आपने फोटो करवाई है वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा ही हुआ है, ये लिखा हुआ अपलोड कलर फोटो विद डेट रिटर्न ऑन द स्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोटो कर दिया, यहाँ पे साइन का है, साइन हमने कर दिए हैं, और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन का है, और यहाँ पे देखिए आप जो फोटो का साइज है 20 से 50 के भी है, और जो सिग्नेचर का है 10 से 20 है, और थंब इम्प्रेशन का है 10 से 30 है, ठीक है। तो हमको व्यू कर लेते हैं, ये देखिए कुछ टाइम ले रहा है, ये देखिए व्यू हो गया, ठीक है। तो हम इसको यहां से सेव कर देंगे, ठीक है, तो सेव हो गए हैं, सक्सेसफुली सेव आ गया। तो उसके बाद है व्यू डैशबोर्ड, हम डैशबोर्ड में दोबारा जाएंगे, तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे दो स्टेप तो हमारे हो चुके हैं और तीसरा स्टेप हमारा पेमेंट का रहता है। अब हम पेमेंट कर देंगे इसके, पेमेंट आप पे यू एग्रीगेटर से भी कर सकते हैं और इजी पे से भी कर सकते हैं, हम यहाँ से करने हैं। यहाँ पे क्या आपका कोई भी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी होगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, यहाँ से अदर डेबिट कार्ड में जाना, अगर एचडीएफसी का है तो एचडीएफसी से आप कर सकते हैं, अदरवाइज अदर डेबिट कार्ड में जाके आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपका। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड में अपने कार्ड का नंबर भरेंगे, ठीक है, तो नेम ऑन कार्ड, तो ये हम शो नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, तो आप जो भी आपका हो वो आप भर सकते हो, एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो हमने ये फिल कर दिया है, अब पे नाउ हम कर रहे हैं, तो देखिए ये आपके सामने अब विंडो खुलेगी, यहाँ पे आपका एटीएम का पिन, जो आपका पिन एटीएम का है जो आप, तो वो एंटर कर दीजिए, उसके बाद सबमिट, तो ये मोबाइल पे आपका ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी भरने के बाद आपकी सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगी। देखिए ओटीपी आ चुका है, तो ठीक है, तो ये हमने सबमिट कर दिया है। तो देखिए हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है और ये फीस भी भरेगी, और तीनों स्टेप हम चेक कर लेंगे, तीनों स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है हमारा फॉर्म। तो अब हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बैक टू होम भी हम जा सकते हैं दोबारा, तो बैक टू अब होम चले गए। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये फिल हुआ या नहीं हुआ, अब हम रजिस्ट्रेशन नंबर यहां डाल देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर हम डाल रहे हैं, ठीक है, यहां पे अब हम पासवर्ड डाल रहे हैं,
ठीक है, या हम सबमिट करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, नेम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, अमाउंट आ गया, और तीनों स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री। अब हम यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लेंगे, और ये दूसरा ये कैंडिडेट को एक कैंडिडेट कॉपी है, एक एग्जामिनेशन सेंट फॉर्म है, तो ये यहाँ से कर लेंगे। ये जो व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि ये सारा फिल हो गया है, उसके बाद ये जो कॉपी है ये फोटो कॉपी करवा के साथ पेपर में लेके जानी है। यहाँ पे आपके साइन और यहाँ पे आपके थंब इंप्रेशन होगी, यहाँ पे एक फोटो लगेगी यही वाली, तो ये वाली लेके जानी है। और दूसरी है जो ये वाली यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट कॉपी, ये आपने अपने पास रखनी है, और दूसरी है जो एग्जामिनेशन सेंटर कॉपी, ये लेके जानी है साथ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था बस, कुछ भी नहीं है फॉर्म में, तो आप अपने घर पे बैठे फॉर्म भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू व्यूअर फॉर वॉचिंग, एंड आगे की अपडेट्स के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए वीडियो बना सकें। और जो भी पेपर हैं एसटेट के, सीटेट के, पीटेट के, आरटेट के, जितने भी हैं, हम सभी के सोल्यूशन हमारे पास रेडी हैं, और सभी के सोल्यूशन हम डालने वाले हैं इस पे, तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब